कर्टन का धमाका। यूक्रेन जलेगा, बाइडेन देखेंगे तमाशा। ब्लास्ट, आग और धुएं का गुबार। जेलेंस्की की जमीन पर आसमान से प्रहार। नब्बे घंटे की जंग, धमाके देख दुनिया दंग। हिरोशिमा नागासाकी झांकी, पुतिन का परमाणु बम बाकी। यूक्रेन हो जाएगा तबाह, पुतिन कहलाएंगे तानाशाह। अमेरिका की दादागिरी पर विराम, रूस दहाड़ेगा सरेआम। सुपर पावर के लिए पुतिन किम जोंग संग। पुतिन के पीछे कौन, क्यों है दुनिया मौन। पुतिन के प्रहार से 30 देश बेदम। बर्बादी के 10 बम। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। यूक्रेन के ताजा हालातों को लेकर भी मंथन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मीटिंग में मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एनएसए डोवाल भी इस मीटिंग में मौजूद है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से सीधे लौटते ही यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अब बैठकें कर सकते हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के ताजा हालातों को लेकर मंथन किया जा रहा है कि वहां कोई भी अगर भारतीय फंसा है तो उसके लिए केंद्र सरकार किस तरह सुनिश्चित कर रही है कि भारतीयों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। रूस के हमले यूक्रेन पर लगातार जारी है। लगभग पूरे यूक्रेन पर रुक रुक कर बमबारी हो रही है। ज्यादातर शहर तबाह हो चुके हैं और जो बचे हैं वहां से भी लोग अब भाग रहे हैं। हर तरफ विनाश है। ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई हैं, मलबे में बदल गई है। यूक्रेन से आ रही तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। डरे हुए हैं लोग और देश छोड़कर भाग रहे हैं या फिर जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़ा धमाका हुआ, इसमें कई इमारतों को नुकसान हुआ है। यूक्रेन रूस युद्ध की अब तक की धमाकों की 10 एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। बर्बादी का पहला बम। रविवार को यूक्रेन की राजधानी कीव की सुबह 2 तेज धमाकों के साथ हुई। सूरज निकलने से पहले ही धमाके के लपटों ने आसमान को डरावनी रोशनी से घेर लिया। पहला धमाका शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर हुआ, तो वहीं दूसरा धमाका कीव के पश्चिमी दक्षिण हिस्से में खारकीव में हुआ। खारकीव में गैस पाइपलाइन में बड़ा धमाका हुआ। खारकीव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। खारकीव में गैस पाइपलाइन में हुए धमाके से आसमान में धुएं के बड़े गुबार देखे गए। शहर में रहने वाले लोगों को खिड़कियों को पूरी तरह बंद करने को कहा गया। सरकार ने सलाह दी कि गीले कपड़ों के सहारे खिड़कियों को बंद करें ताकि बिल्कुल भी धुआं घर के अंदर ना आ जाए। लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। बर्बादी का दूसरा बम। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक तेल टैंकर में आग लग गई। कीव से 30 किलोमीटर दूर वैसिल कीव में ऑयल टैंकर में रूसी मिसाइल टकराने से बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। राजधानी कीव और उसके आसपास का इलाका दहल उठा। बर्बादी का तीसरा बम। तेज रफ्तार से आती एक मिसाइल और देखते ही देखते पूरी इमारत धुआं धुआं हो गया। एक जोरदार आवाज के साथ रूसी हथियार ने इमारत को ध्वस्त कर दिया। बर्बादी का चौथा बम।
कीव से एक और जो डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। कीव में रूसी एयर स्ट्राइक में एक मिसाइल रेडियो एक्टिव वेस्ट स्टोरेज के पास जा लगी। बीती रात करीब 1:30 बजे सरकारी कंपनी रेडन के रेडियो एक्टिव वेस्ट स्टोरेज के पास मिसाइल से हमला किया गया। हालांकि इस हमले में रेडियो एक्टिव वेस्ट स्टोरेज एरिया पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी तरह के रेडिएशन के लीक नहीं होने का दावा किया गया है। बर्बादी का पांचवा बम। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज चौथा दिन है। यूक्रेन में कैनाल डैम पर रूस ने बम विस्फोट कर दिया। इस धमाके में डैम के परखच्चे उड़ गए। डैम पर विस्फोट के बाद डैम का पानी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा है। बर्बादी का छठा बम। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जारी हमले के दौरान उसके हवाई अड्डों और ईंधन सुविधा केंद्रों को निशाना बनाया है। रूस ने कीव के पास एयरपोर्ट के लिए बने ईंधन केंद्र को धमाका कर तहस नहस कर दिया है। बर्बादी का सातवां बम। रूस ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस को मिसाइल से मार गिराया है। उधर यूक्रेन ने 5 रूसी जंगी विमान को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव के हवाई अड्डे को खाली करा लिया गया है। कीव के साथ साथ खारकीव, लुहानसक और डोनेस्क में रह रहकर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। बर्बादी का आठवां बम। यूक्रेन में कल रूस ने मिसाइल से इस बहुमंजिला इमारत पर हमला कर दिया, जिसके बाद यह इमारत देखते ही देखते जमीन दोज हो गई। इस हमले के बाद से यह आलिशान इमारत खंडहर में तब्दील हो गया है। महज चंद मिनट में रूसी हमले में यह गगनचुंबी भवन मलबे में बदल गया। बर्बादी का नौवां बम। इन टैंकों को देखिए। यूक्रेन के हमले में इन रूसी टैंकों को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के 100 से ज्यादा टैंकों को बम और मिसाइलों से उड़ा दिया गया है। देखिए कैसे सड़क किनारे टैंक धू धू कर जल रहे हैं। बर्बादी का दसवां बम। युद्ध की तबाही की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें यूक्रेन के कई शहरों पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं। ऐसे में ये तस्वीर देखिए कैसे इस विमान को आसमान में ही खाक कर दिया गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के लड़ाकू विमान को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में ही मार गिराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीमी। क्या रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया में परमाणु युद्ध की पटकथा लिख चुका है? क्या यूक्रेन युद्ध का अंत एटमी वॉर से होने वाला है? क्या दुनिया एक बार फिर परमाणु वॉर का दंश झेलने वाला है? ये सवाल पुतिन के उस आदेश के बाद उठ रहे हैं जब उन्होंने रूसी परमाणु प्रतिरोधक फोर्स को एक्टिव कर दिया। पुतिन के इस कदम के बाद दुनिया सकते में है। अब नाटो देश पुतिन के किसी भी एटमी प्लान की काट खोजने में जुटे हैं। हाहाकारी प्लान प्रलयंकारी। इंसानियत का ब्रेकडाउन, वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन। नेटो रूस में राल, होगा एटम वॉर। दुनिया रहे तैयार, पुतिन का परमाणु प्रहार। यूक्रेन पर जंग जारी है लेकिन आने वाला खतरा उससे भी ज्यादा भारी है। यूक्रेन में विध्वंस की तस्वीरों से आप विचलित हो रहे होंगे। यूक्रेन की बर्बादी की तस्वीरें दुनिया के लिए सबक होना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
दुनिया को युद्ध की दहलीज पर ले जाने वाले सेनापति बर्बादी को इससे भी आगे ले जाने पर आमादा है। तभी तो परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस की न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक रूस और उसके राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हमले के खिलाफ काउंटर एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन परमाणु हमले का जवाब परमाणु हमले से देने की तैयारी में है। युद्ध के सबसे बड़े हालात से निपटने के लिए पुतिन ने रूसी परमाणु प्रतिरोधक फोर्स को एक्टिव कर दिया है। पुतिन ने रूसी सेना से कहा है कि संभावित परमाणु हमले के दौरान चौकस रहे। दरअसल पुतिन को नाटो की तरफ से परमाणु हमले का अंदेशा है। रूसी एजेंसियों के मुताबिक यूक्रेन को लेकर आर पार की जंग लड़ रहे पुतिन नाटो से भी जंग के लिए तैयार हैं। रूस यूक्रेन वॉर शुरू करने से पहले ही नाटो से निपटने के लिए फ्यूचर प्लान तैयार कर चुका है पुतिन। एटम वॉर पर रूस की रणनीति को देखते हुए दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत तमाम देश रूस की एटम धमकी पर अलर्ट मोड में आ गए हैं। रूस की धमकी का असर है कि परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक्शन में आ चुकी है। IAEA ने यूक्रेन के हालात पर इमरजेंसी बैठक बुलाई है। रूस की एटमी धमकी के बाद अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि रूस का परमाणु फोर्स एक्टिव करना गलत है। जिस तरह से यूक्रेन और रूस का युद्ध महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है उससे तीसरे विश्व युद्ध का अंदेशा भी बढ़ गया है। जाहिर है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें एटम बम का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध का अंत भी हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम के इस्तेमाल से ही हुआ था। ऐसे में अब आपको जानना जरूरी है कि दुनिया में किसके पास कितने परमाणु बम है, एटमी ताकत में कौन किस पर भारी है। तमाम देशों के न्यूक्लियर बम पर नजर रखने वाले संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी FAS के मुताबिक रूस के पास 6,257 एटम बम है, अमेरिका के पास 5,550, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 165 एटम बम है, तो वहीं भारत के पास 160 एटम बम है, जबकि इजराइल के पास 90 परमाणु बम है, और सन की किम के नॉर्थ कोरिया के पास भी 45 परमाणु बम इस वक्त हैं। एटम वॉर पर रूस की ताजा धमकी से दुनिया भर में हड़कंप है, लेकिन यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले नाटो के कई एलाइज परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं। यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद यूरोप के पूर्व नाटो चीफ जनरल सर एड्रियन ब्रैडशॉ ने कहा था कि अगर रूस के सैनिक नाटो देशों पर कदम रखते हैं तो हालात खतरनाक हो सकते हैं। जाहिर है उनका इशारा एटम वॉर की तरफ ही था। परमाणु युद्ध की तैयारी से इतर पुतिन ने अपनी सेना को बमों के बाप यानी फादर ऑफ बम को इस्तेमाल करने के आदेश दे दिए हैं। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि अगर रूस ने TSR जैसे सबसे बड़े परमाणु बम इस्तेमाल कर दिया तो यूक्रेन की राजधानी कीव का पल भर में नामो निशान मिट जाएगा। अब फादर ऑफ बम के बाद एटम वॉर की धमकी दुनिया के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
रूस के प्रहार से यूक्रेन करहा रहा है, उस पर मिसाइल और फाइटर जेट से वार हो रहा है, लेकिन दुनिया तमाशबीन होकर सिर्फ बयानबाजी कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दुनिया भर के देशों से हाथ फैलाकर मदद की भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। हालांकि नेटो देश दिखावे के लिए पर्दे के पीछे से मदद का भरोसा तो दे रहे हैं, कई तरह की मदद का भरोसा दिया, लेकिन सामने से आकर कोई ठोस जमीनी मदद नहीं कर पा रहा। इसे रूस का डर कहें या फिर कुछ और, देखिए। यूक्रेन में युद्धक उफान, दुनिया तमाशबीन। पुतिन का प्रहार, नेटो सिर्फ बयान बहादुर। करीब 100 घंटे से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध खतरे के अपर लेवल पर पहुंच चुका है। युद्ध के 4 दिन बाद भी हालांकि ताकतवर रूस के सामने यूक्रेन ने अभी तक घुटने नहीं टेके। सीमित संसाधनों के बावजूद यूक्रेन की सेना और आम लोग डटे हुए हैं। उनकी हिम्मत और हौसले के पीछे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मनोबल है, जो हार मानने को राजी नहीं है। ज़ेलेंस्की बार बार दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किए गए हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन की सेना अंतिम युद्ध समझकर निर्भीक होकर रूस का सामना कर रही है। यूक्रेन के दावों को माने तो 3500 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 2 रूसी टैंक, 14 रूसी लड़ाकू विमान और 8 हेलीकॉप्टर मार गिराए जा चुके हैं। यूक्रेन की तरफ से एक और दावा किया गया था कि उसने रूस के 2 विशालकाय IPL-76 फौजी विमान को मार गिराया है। खबरों के मुताबिक IL-76 में रूस के 200 रूसी पैराट्रूपर्स सवार थे, जो यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने जा रहे थे। वो पूरी दुनिया को, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने बयानों के जरिए रूस को चेतावनी दी है, लेकिन यूक्रेन को बचाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की।